गाइस, दिस इज मी गार्ग और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, जहां बी टाउन के वन ऑफ द पावर कपल्स में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी है। फैंस उन्हें साथ में देखना पसंद करते हैं, तो वहीं अब रणवीर कपूर की कजन सिस्टर करिश्मा कपूर ने आलिया को लेकर कर दी ऐसी बात जिसको सुनकर आप कहेंगे, हे माँ, माता जी। दरअसल जब रणवीर की जिंदगी में आलिया नहीं आई थी, उस समय उनकी कजन सिस्टर करिश्मा कपूर किसी दूसरी एक्ट्रेस को रणवीर की दुल्हन बनाना चाहती थी। कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो? वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बी टाउन के झक्कास एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर है। रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा चाहती थी कि सोनम रणवीर की दुल्हन बने। दोनों ने साथ में कुछ फिल्मों में काम भी किया। दोनों ने बॉलीवुड में एंट्री भी की एक ही फिल्म से। 2007 में संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में सावरिया नाम की फिल्म आई थी। इसी फिल्म के जरिए रणवीर और सोनम दोनों ने ही डेब्यू किया था। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था, पर फिर दोनों 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू में भी साथ नजर आए थे। ये संजय दत्त की बायोपिक फिल्म थी और इसने ताबड़तोड़ कमाई की थी। पर करिश्मा के इस तरह के स्टेटमेंट के चलते तो हर कहीं हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, आज के समय में भले ही आलिया भट्ट और करीना करिश्मा कपूर के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन एक समय पर लोलो सावरिया एक्ट्रेस सोनम कपूर को रणवीर कपूर की दुल्हन बनते हुए देखना चाहती थी। और इस बात का खुलासा खुद सोनम कपूर ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में किया था। ओह, तो बात सोनम तक भी पहुंची थी। आपको बता दें, सोनम कपूर जब करीना कपूर खान के साथ करण जौहर के चैट शो में पहुंची थी, तो उस समय करण ने उनसे ये सवाल किया था, क्या कभी उन्होंने कपूर खानदान की बहू बनने के बारे में सोचा है? इस सवाल का जवाब सोनम ने टपक से दिया और कहा, मुझे लगता है करिश्मा ये चाहती थी, लेकिन हम अच्छे दोस्त ही है। वो कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाले की तरफ से बनकर ही आती हैं। यहाँ भी वही हुआ, चाहा सबने कुछ और हुआ कुछ और। खैर, पर अब कपूर सिस्टर्स और आलिया में बहुत अच्छी बनती है और बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। कोई नहीं सेनोरिटा, ये बस किसी की इच्छा थी और इच्छाओं पर किसी का कहां जोर चलता है। साथ ही बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।